बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने टाइटल्स को, अपनी हेडिंग्स को, अपने कैप्शंस को किस तरह से ट्रेंडी, कूल और यूनिक बना सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू लर्न दिस टुडे। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस कि हमने ये करना किस तरह से है। यू आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, इसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मेट में जाके इसकी जो विड्थ है उससे भी आप 0.1 कर दीजिए और इसे भी आप कम करके 0.3। नाउ यू कैन यू नो चेंज द कलर ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, और अगर आप कलर नहीं भी चेंज करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू, दैट डिपेंड्स ऑन द थीम। ऑल्सो यू कुड प्लेस इट एनी वेयर ऑन दिस स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, एंड वी आर गोइंग टू टेक अनदर रेक्टेंगल विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू अ लाइन। आप इसमें जो सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टल जो इसकी लेंथ है उसको बढ़ा दीजिए। इसको बेसिकली प्लेस करना है आपने इस गाइड से, लेफ्ट वाली गाइड से towards the right guide। यहाँ तक आपने इसको लेकर आना है। आप चाहें तो इसको सेम कलर रहने दें, चाहें तो आप इसको चेंज कर लीजिए। मैं फिलहाल इसको चेंज कर रही हूँ अपनी थीम के अकॉर्डिंगली। ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये आपकी ऑलरेडी जो स्मॉलर रेक्टेंगल है ये बिल्कुल उसके ऊपर प्रॉपरली प्लेस्ड हो, इस तरह से। ऑल्सो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाकर इसको सेंड टू बैक कर देना है, ताकि आपको ये ग्रीन वाला पार्ट नजर आए। एंड ऑल्सो इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमेशन। ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन इज टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। यू आर गोइंग टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स हियर एंड यू आर गोइंग टू एंटर द हेडिंग जो आप इसमें रखना चाह रहे हैं। कलर अगेन आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं, फॉर्मेटिंग अपनी पसंद से कर सकते हैं। साइज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप इसको किस तरह से रखना चाह रहे हैं। आपने इसको यहां पर प्लेस कर दिया। नाउ ऐड अनदर रेक्टेंगल एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल इस लाइन को टच कर रही हो, इस लाइन के दरमियान और इस रेक्टेंगल के दरमियान किसी किस्म का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। नाउ द फाइनल स्टेप, आप इसके अंदर ये जो बड़ी वाली लाइन थी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे एंड यू आर गोइंग टू प्लेस दैट लाइन हियर ऑन टॉप ऑफ इट एंड यू आर गोइंग टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल लेंथ, आप इसकी कम करेंगे और आपने इसको इस लाइन के ऊपर प्लेस करना है। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये वो ग्रीन जो लाइन है, जो ग्रीन छोटा रेक्टेंगल है उससे दूर हो, मतलब उससे पहले पहले वाली जो जितनी भी लाइन है उसको कवर कर रहा हूँ, इस तरह से। अब आप इसमें ये करेंगे कि जो ये आपने ऊपर कवर इसका बनाया है उसको आप बेस शेप का कर देंगे और इस कवर को भी आप बेस शेप का कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दी स्मॉलर रेक्टेंगल और आप अगर चाहें तो इसको रीनेम भी कर लीजिए। ऑलराइट, अब ग्रीन बॉक्स को आपने सिंपल एक एनिमेशन लगा देनी है फ्लाइन की और इसका इफेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके ऊपर भी आप लगाएंगे फ्लाइन की एनिमेशन और इसकी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया From right, ठीक है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप नेम दे दीजिए हेडिंग का। हेडिंग के ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है लाइंस की। ये बाय डिफॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। इसमें रेड डॉट के ऊपर आप शिफ्ट और ड्रैग करते हुए इसे अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर ला सकते हैं। और ये चूँकि इस लाइन से ऊपर है तो लिहाजा हम ये जो हेडिंग है इसको यहाँ से ड्रैग कर हम नीचे ले जाएंगे, तो ये सबसे नीचे चले। जहाँ तक सबसे पहले बात आ जाती है फर्स्ट एनिमेशन की, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आप यहाँ से इसको विद प्रीवियस कर दीजिए। उसके बाद हमारी जो एनिमेशन है उसके लिए जो ये लाइन ब्लू वाली लाइन ने जो ड्रैग होकर आना है राइट साइड से, उसके लिए भी आप इसको विद प्रीवियस करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाकर आप कर देंगे 1.80 और यहाँ पर आप डिले बढ़ा देंगे 0.25 का। उसके बाद जो हमारी थर्ड एनिमेशन है उसके लिए भी हम इसको विद प्रीवियस कर देंगे और इसका ड्यूरेशन ऑलरेडी 2 सेकंड्स का है, लिहाजा हम इसे भी बढ़ा के इसके डिले को भी बढ़ा के 2 सेकंड्स कर देंगे। सो नाउ अब हम इस एनिमेशन का प्रीव्यू देखते हैं। Now, coming towards our second animation, which is even more simpler. आपने सिंपल एक बड़ा बॉक्स लिया और उसको आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर। ये गाइड हमें जो है वो बता रही है कि ये कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट हो रही है, तो लिहाजा आपने बस इसको इतना यहाँ पर रखना है। Then, you are going to take a text box. और यहाँ पर आप इसे जाके अलाइन कर देंगे सेंट टू बैक पर। ऑलराइट, अब इस पर आपने एनिमेशन लगानी है सिंपल, सबसे पहले फ्लाइन की, और ये जो हमें रिक्वायर्ड है ये उसी तरह से फ्रॉम द बॉटम ड्रैग अप हो रहा है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आप जाएंगे इसी बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ, ऑलरेडी इस पर एक एनिमेशन लगी हुई है। सो अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनिमेशन को। आप लाइन्स की एनिमेशन पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे राइट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आने के बाद ये उसके साथ पीछे जा रहा है। सो आप ये 2 को आप विद प्रीवियस कर देंगे। ऑलराइट, एट द सेम टाइम आप इस टेक्स्ट के ऊपर एक एनिमेशन लगाएंगे सेम एज लाइंस की और उसको आप कर देंगे लेफ्ट। और अब आप इसको देख लीजिए कि ये इसको ड्रैग करके आप इसे कहाँ तक लेकर आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट टिल हेयर और इस एनिमेशन को भी आप कर देंगे विद प्रीवियस। ऑलराइट, सो नाउ वंस यू आर डन विद इट, नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम नंबर्स टू दिस एनिमेशन। इस ये जो पहला बॉक्स फ्लाइंग कर रहा है उसको हमने कुछ नहीं करना है। दिस वॉज आर सेकेंड एनिमेशन जो कि ये ड्रैग कर रहा है टूवर्ड्स द राइट साइड। इसमें आप जो इसका ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर कर देंगे 1.40 और नीचे वाला जो नंबर है उसे आप कर देंगे बढ़ाकर अप टू 50। और जो थर्ड एनिमेशन थी जिसमें ये स्लाइड जो है कर रहा है टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इसके लिए आप ड्यूरेशन 2 सेकंड्स ही रहने देंगे, अलबत्ता डिले को बढ़ाकर आप कर देंगे 1 सेकेंड। सो नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। Few simple clicks and the placement of right animation at the right time, you've been able to achieve this. Please leave your comments and feedbacks and do let me know if this tutorial was useful or not, and I will inshallah come back with more. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.